गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एक नए जोश के साथ द होम कमिंग के एक्सरसाइज से क्वेश्चन और आंसर लेकर के मैं आपके समक्ष हूँ और आप लोग मेरे साथ इस लेसन के प्रश्न और उत्तर को नोट करिए और साथ ही साथ समझते चलिए ताकि आपके बोर्ड की परीक्षा में हेल्पफुल हो सके। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, हु वाज फटिक, व्हाट टाइप ऑफ बॉय ही वाज। फटिक कौन था और वह किस प्रकार का लड़का था। तो आंसर लिखेगा, फटिक वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ माखन। फटिक जो था वो माखन का एल्डर ब्रदर था। सॉरी मैं गलत लिख गया बेटा, सुधार कर लीजिए क्योंकि आंसर और कुछ नहीं। फटिक कामा लगाइए, द एल्डर ब्रदर ऑफ माखन वाज ए नाटी एंड वाज ए नाटी एंड प्रिपेक्टुअल नाटी एंड प्रिपेक्टुअल न्यूसेंस बॉय। तब दे भैया ही वाज द रिंग लीडर, सॉरी गलत बोल, ही वाज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। देखिए बेटा बात हो रही फटिक की, फटिक द एल्डर ब्रदर ऑफ माखन, फटिक माखन का बड़ा भाई, वाज था ए नाटी एंड परपेक्टुअल न्यूसेंस बॉय। परपेक्टुअल न्यूसेंस बॉय मीन्स चंचल लड़का, एक शरारती और चंचल लड़का था। कमा लगेगा, ही वाज द रिंग लीडर, रिंग लीडर वह सरदार था एमंग द बॉयज इन द ब्लेस ऑफ द ब्लेस, गांव के लड़कों में वह क्या था, सरदार था बेटा, सरदार का कार्य करता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, हु वाज माखन एंड माखन कौर था एंड हाउ वाज ही डिफरेंट। हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज इल्डर ब्रदर फटिक, फ्रॉम हिज इल्डर ब्रदर फटिक। माखन कौन था और वह अपने बड़े भाई फटिक से भिन्न कैसे था। तो भाई आप जानते हैं माखन जो था वो फटिक का छोटा भाई था। तो लिखिए बेटा, माखन वाज द एंगर ब्रदर ऑफ फटिक।
माखन फटिक का बड़ा छोटा भाई था. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज इल्डर ब्रदर. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज इल्डर ब्रदर फटिक. ठीक भैया, कैसे था जरा डैश करके लिखिए. फटिक वाज, बट फटिक वाज ए परफेक्टुअल न्यूट्रिशंस ए परफेक्टुअल न्यूसेंस लेजी डिसऑबिडिएंट एंड वाइल्ड बट माखन was as good as gold, as gold. ध्यान दीजिएगा बेटा, as quite as a lamb. As a lamb and very fond of reading. Very fond of reading. ध्यान दीजिएगा, माखन वाज द यंगर ब्रदर. माखन कौन था? छोटा भाई था फटिक. किसका बेटा? फटिक का. He was different, वह भिन्न था from his elder brother फटिक. वह अपने बड़े भाई फटिक से भिन्न था, क्योंकि फटिक वाज ए perpetual nuisance. फटिक एक चंचल शरारती लड़का था, lazy आलसी था, disobedient अवज्ञाकारी था, एंड वाइल्ड और असभ्य था. बट लेकिन माखन वाज, माखन था एज गुड एज गोल्ड. माखन स्वर्ण के सामान शुद्ध था. एज क्वाइट एज लैम, मेमने के सामान एकदम शांत था. एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बड़ा शौकीन था. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई वाज फटिक टेकन टू कोलकाता. व्हाई वाज फटिक टेकन टू कोलकाता. फटिक को कोलकाता क्यों ले जाया गया, आप बता सकते हैं? फटिक को कोलकाता क्यों ले गया जाया गया बेटा? फटिक को उसके अध्ययन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए उसके मामा कहाँ लेकर के गए? कलकत्ता लेकर के गए थे, ताकि वह अपने मामा के बच्चों के साथ अपना अध्ययन कार्य कर सके. और बहन के ऊपर से उस शरारत का बोझ हट जाए जो उसके दिमाग में छाया हुआ था. अंडरस्टैंड? चलिए फिर देखिए, ऐसे लिखेगा, बिसंबर वाज टोल्ड. आंसर है बेटा बिसंबर. कौन थे? अंकल ऑफ फटिक वाज told by his sister, that Fatik was a perpetual nuisance. A perpetual nuisance
लेजी, डिसऑबिडियंट, डिसऑबिडियंट एंड वाइल्ड, एंड वाइल्ड ध्यान दीजिएगा बेटा। सो हिज अंकल विशंभर कमा सो हिज अंकल विशंभर ऑफर्ड ऑफर्ड हिम टू टेक कोलकाता कोलकाता फॉर स्टडी। किसके लिए बेटा? फॉर स्टडी विद हिज ओन चिल्ड्रन, विथ हिज ओन चिल्ड्रन। ध्यान दीजिएगा विशंभर अंकल ऑफ फटिक, विशंभर जो थे बेटा के थे फटिक के मामा थे। वाज टोल्ड उन्हें बताया गया बाई हिज सिस्टर उसकी बहन के द्वारा दैट की फटिक वास था ए परपेटुअल न्यूसेंस एक चंचल लेजी शरारती डिसोबिडेंट अवज्ञाकारी एंड वाइल्ड। बहन जी ने बताया कि फटिक बहुत चंचल है आलसी है अवज्ञाकारी है और जंगली है। सो इसलिए हिज अंकल विशंभर उसके चाचा विशंभर ने ऑफर्ड पेशकश किया हिम उसे टू टेक ले जाने के लिए कोलकाता कलकत्ता फॉर स्टडी अध्ययन के लिए विद हिज ओन चिल्ड्रन अपने स्वयं के बच्चों के साथ। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। हाउ वाज फटिक ट्रीटेड इन कोलकाता, हाउ वाज फटिक ट्रीटेड इन कोलकाता, ट्रीटेड इन कोलकाता, फटिक को कोलकाता में क्या व्यवहार किया गया, किस प्रकार का व्यवहार किया गया। जानते हो कि मामी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था बेटा, तो जरा देखिए कैसा व्यवहार हुआ था। लिखेगा इन कोलकाता, इन कोलकाता फटिक वाज ट्रीटेड, फटिक वाज ट्रीटेड इन बैड मैनर्स इन बैड मैनर बाय हिज आंट, बाय हिज आंट। सी डिड नॉट लव एंड रिस्पेक्ट हिम, लव एंड रिस्पेक्ट हिम। ही बीकेम इल बाय दिस बिहेवियर, ही became ill by this behavior। ध्यान दीजिएगा इन कोलकाता कलकत्ता में फटिक वाज ट्रीटेड, फटिक के साथ व्यवहार किया इन बैड मैनर गंदे तौर तरीके से बाय हिज आंट उसकी मामी के द्वारा। शी डिड नॉट लव एंड रिस्पेक्ट हिम, वह उसे प्यार और सम्मान नहीं करती थी। ही बीकेम इल वह बीमार हो गया बाय दिस बिहेवियर इस व्यवहार के द्वारा। बेटा इसी व्यवहार के कारण वह बीमार हो गया, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई और घर आने की इच्छा उसके दिल और दिमाग में छाई रही। अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन लिखिए, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा आपका 5वां, व्हाई डिड फटिंग लॉन्ग फॉर हिज होम कमिंग, Why did Fatik long for
इज होम कमिंग। फटेक अपने घर आने की इच्छा क्यों कर रहा था? फटेक अपने घर आने की इच्छा क्यों कर रहा था? अब तो आप जान ही रहे हैं, लिखिए फटेक लॉन्ग्ड फॉर हिज होम कमिंग बिकॉज हिज आंट बिहेवियर वाज हिज आंट बिहेवियर वाज बैड टूवर्ड्स हिम। उसकी मामी का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही गंदा था। ही वाज वीक इन हिज स्टडी। ही वाज वीक इन हिज स्टडी। बेटा वो अपने अध्ययन में कमजोर था। ही रिमेंबर्ड हिज ब्लेस ग्लोरियस मिडो ग्लोरियस मिडो कॉमा रिवर बैंक नैरो ब्रूक हिज कंपेनियन एंड हिज मदर। ध्यान दीजिएगा, फटिक लांग फटिक चाहता था फॉर हिज होम कमिंग अपने घर आने को। फटिक अपने घर आने को चाहता था बिकॉज क्योंकि हिज आंट उसकी मामी बिहेवियर व्यवहार करती। हिज आंट बिहेवियर उसकी मामी का व्यवहार वाज था बैड बुरा टूवर्ड्स हिम उसके प्रति। His aunt's behavior was bad towards him. He was weak in his study. बेटा वो अपने अध्ययन में कमजोर था। He remembered वह याद करता था his village अपने गांव को glorious meadow शानदार घास के मैदान को river bank नदी के किनारे को narrow brook छोटे से झरने को his companion अपने साथियों को and his mother और अपनी माँ को। बेटा यही कारण था कि फटिक अपने गांव वापस आना चाहता था। अंडरस्टैंड बेटा, ये 5 क्वेश्चन है। शेष बचे 5 क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तब तक आप पढ़िए, मुस्कुराइए और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने अंदर करते रहिए। अब मैं अलविदा लूंगा आपसे अगले लेक्चर तक के लिए। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। और मित्रों में शेयर करते रहिए वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।